अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नंदनी आप सो जाओ बेटा। नींद नहीं आ रही है नानी, कोई अच्छी सी कहानी सुनाए ना। एक तो मुझे घर के बाहर ही नहीं जाने देता, अगर जाती हूँ तो कहते हैं तुम्हें आराम की जरूरत है, और मैं दिन भर आराम करते करते मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती। कौन सी कहानी सुनोगी तुम? कोई अच्छी सी और नई वाली। तो ठीक है सुनो। एक था राजा। उस राजा के पास बहुत बड़ा राजमहल था। उस राजा के लिए उसका धर्म ही सब कुछ था। फिर एक दिन उस राजा का जीवन बदल गया। उसके जीवन में एक दासी उसकी पत्नी बनकर आई। वो राजा की रानी बन गई। फिर क्या हुआ नानी? फिर उस राजमहल में रानी राजा के 3 राजकुमार और 2 राजकुमारियों से मिली, जो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे। राजमहल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, और फिर रानी एक नन्ही परी से मिली जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। मेरी जैसी? तुम्हारे जैसी, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह बातें करती थी, जिसके आने से पूरा परिवार खुश था। और फिर ये कद्दू कहाँ है? बहुत देर से दिखाई नहीं थी। हेलो। हेलो कद्दू, कहाँ हो तुम? मैं बहुत जरूरी काम से बाहर आई हूँ, बस थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। नंदनी कैसी है? नंदनी अब सो रही है, तुम बस जल्दी से घर आ जाओ। हाँ जल्दी आती हूँ। क्या बात है बिरवा, कमाल कर दिया तुमने। मुझे तो लगा था कि एक्टिंग करना सिर्फ मैं ही जानता हूं, तुम तो माइंड ब्लोइंग एक्ट्रेस निकली यार। एकदम माइंड ब्लो करके रख दिया मोंगी का। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल नेचुरल एक्टिंग। व्हाट है? यू जस्ट शट अप। ओके सारंग, लीव मी। कितने कमीने, घटिया और खुदगर्ज हो ना तुम। और यही कमीना और घटिया आदमी तुम्हारा पति है, तो मुझे कितनी भी गालियां दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हो क्यों? क्योंकि जब तुम मुझे गाली देती हो तो मुझे एक बात का एहसास होता है, वो ये कि गालियां तो तुम मोंगी को भी देती हो राइट, लेकिन तुम्हारे दिल में उसके लिए कितना प्यार है। तो मैंने सोचा कि जब तुम मुझे गालियां देती हो तो हो सकता है कि तुम मुझसे भी। था मेरे मन में भी तुम्हारे लिए कभी प्यार था, लेकिन तुमने वो खुद प्यार को नफरत में बदल दिया। तुम्हें क्या पता सारू, क्या पता तुम्हें किसी को बताए बिना या जताए बिना प्यार करना क्या होता है? नहीं पता तुम्हें, माँ बाप, भाई बहन, बेटा, इसमें से एक भी रिश्ता तुमने कभी निभाया क्या? रिश्ता? तुम्हारी तो सगी माँ है मेरी संतु माँ, उन्होंने मुझे कोख से जन्म नहीं दिया है, फिर भी मेरे लिए मेरी जन्म देने वाली माँ से बढ़के है। मोंगी के साथ मेरा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी मेरे लिए वो मेरी सगी बहन से बढ़के है। तुम कभी नहीं समझोगे। शुरू कर दी ना अपनी रिश्तों की हिस्ट्री केमिस्ट्री।
तुम्हारा ये भाषण खत्म हो गया या बाकी है? और तुम क्या समझोगे सारा? तुम तो समझ ही नहीं सकोगे। तुमने सिर्फ ये देखा कि मैंने मोंगी को कितना सुनाया है, तुमने ये नहीं देखा कि मोंगी को चार कड़वी बातें सुना के उसका हौसला कितना बढ़ेगा, वो कितनी मजबूत कैसे बनेगी। किसी इंसान के अस्तित्व पे उंगली उठा के उसका हौसला जागता है, जुनून जागता है, उसका मान स्वाभिमान सम्मान सब कुछ जागता है। कुछ कर दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यही सोच के मोंगी भी बेहतर बनेगी, कुछ कर दिखाएगी। देखना तुम, हीरा तराशते तराशते खुद वो एक हीरा बन जाएगी। जैसे सोना आग में तप के कुंदन बन जाता है। तुम्हें क्या पता होगा सारा किसी के लिए मिटना क्या होता है? तुम्हें तो सिर्फ मिटाना आता है बस। फिर तुम देवी हो या महादेवी? ना ही देवी हूँ ना ही महादेवी, लेकिन जो कुछ भी हो वो तुम समझ नहीं पाओगे। उसको समझने के लिए तुम्हें पहले इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान बनना मुझे मेरी संतु माँ ने सिखाया है। बार घर पे फोन किया लेकिन तुमने हमेशा ऐसे बात करी जैसे तुम मुझे जानती नहीं, जैसे तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। कद्दू कद्दू प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मेरी जमानत करवा दो। कद्दू मैं यहाँ तुम्हारी जमानत करवाने नहीं आई, मैं यहाँ तुमसे डाइवोर्स लेने आई हूँ। मेरे वकील ने मुझे बताया कि तुमने मुझे डाइवोर्स देने से मना कर दिया है। हाँ मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा कद्दू। तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगे इसका क्या मतलब? कद्दू मैं मानता हूँ कि हमने जो भी किया वो गलत किया, लेकिन हमें पैसे भी तो कमाने थे ना, और तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य हमारी मदद नहीं करता। अरे अगर कोई हमारी मदद करता तो हम अपना बिजनेस कर सकते थे, लेकिन किसी ने की नहीं, और हमने जो भी किया ना कद्दू वो मजबूरी में किया, जानबूझ के नहीं। तुम्हारी मजबूरी या तुम्हारी सफाई सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, मैं यहाँ सिर्फ डाइवोर्स लेने आई हूँ, समझे? कद्दू कद्दू ये सारी बातें मेरी जमानत के बाद भी कर सकते हैं, तुम प्लीज बात को समझ। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती, बल्कि मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत हो गई है संदीप। घिन आती है मुझे तुम्हें देखकर। अपनी आंखों से मैंने तुम्हें एक लड़की की इज्जत को दांव पर लगाते हुए देखा था। घिन आती है मुझे ये सोचते हुए कि तुम लड़कियों को बेचने का धंधा करते थे। तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। चुपचाप मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। कद्दू कद्दू मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और इंसान इतना गुस्सा उसी पे करता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। कुछ दिन मेरे बिना रही हो ना तुम, इसलिए तुम्हें एहसास हो गया कि तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बिना रह सकती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे बिना रह रही हूँ, और इस बात का एहसास मुझे शशांक ने दिलवाया। वही शशांक जिसे मैंने तुम्हारे कारण छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती, मैं यहाँ सिर्फ डाइवोर्स लेने आई हूँ, और मैं डाइवोर्स किसी भी हालत में लेकर रहूंगी। कद्दू तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ना मत लो मेरा तुम संदीप। एक और बात, आइंदा से तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत भी की ना तो देखना, और रही डिवोर्स की बात, वो मैं किसी भी हाल में लेकर रहूंगी। कद्दू मेरी, कद्दू प्लीज कद्दू ऐसे मत करो। कद्दू कद्दू मेरी बात सुनो प्लीज। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।